कॉनकेव मिरर, तो ये वाला यहाँ पर सी होगा, इसको क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये सेंटर होता है, जैसे सर्किल का सी होता है ना सेंटर, आइए इसको रेडियस बोलते हैं एक सर्किल में, तो इसको बोलते हैं सी से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल, इसको पोल बोलते हैं, सेंटर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं क्या आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको आर से डिनोट करते हैं। हाँ, अब इसके आधे को क्या बोलते हैं, दो भाग में जब बांटेंगे तो यहाँ जाएगा का एफ आ जाएगा, ठीक करेक्ट, ये फिजिकल टू आर बाई टू, टू ठीक है, और आर इज इक्वल टू टू एफ, टू एफ ठीक है, ये याद रखना, क्लियर, यस समझ गए, यस, तो इसकी इसलिए स्फेरिकल बोलते हैं, ठीक है, स्फेरिकल कॉनकेव मिरर। जब इसको हमने कॉन्वेक्स बनाएंगे तो इधर अंदर को पेंट होगा, इसका फोकल और सेंटर कर्वेचर इधर ही होगा, जिधर पेंट किया उस तरफ ही होगा। हाँ, ये ध्यान देने की बात है, हम मिरर तो हमेशा शीशा की तरफ रखेंगे इधर, ठीक है, तो उसमें इमेज दो ही बनती है और इसमें बनेगी इमेज छः। इसी तरह लेंस में जाकर के कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है और ये वाला कॉनकेव लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है, ये कन्वर्जिंग लेंस कन्वर्जिंग मिरर होता है, सॉरी, तो कन्वर्जिंग मिरर में छह इमेज बनता है, ठीक है, और कन्वर्जिंग लेंस में मीन्स कॉन्वेक्स लेंस में छह बनता है, ठीक है, और कॉनकेव लेंस में दो बनता है। हाँ, कॉनकेव मिरर में छह बनता है, कॉन्वेक्स लेंस में छह बनता है, और दो बनता है कॉन्वेक्स मिरर में, और दो बनता है कॉनकेव लेंस में, तो आठ आठ 16 इमेज बनते हैं टोटल, तो यही आपको पढ़ना है, ठीक है, तो अभी फिलहाल पढ़ेगा कॉनकेव पढ़ रहे हैं, क्लियर, तो इसका तो पता चल गया ना, सी इज इक्वल टू कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर, आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, यदि यहाँ से पूरा डिस्टेंस घुमाएंगे तो पूरा बराबर होगा, ठीक है, क्लियर, तो इसीलिए यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया, आया ना, आ गया, एफ और पी के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, ठीक है, सी और पी के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू और आर इज इक्वल टू टू एफ, क्लियर, आपको न्यूमेरिकल में आएगा सब चीजें, क्लियर, समझ में आया, यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं, थोड़ा सा जानकारी इसको दिया मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट का, और ये जो लाइन जाएगा यहाँ से लेकर के इधर से तो क्या बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, ठीक है, बाकी तीन रूल आपको बता दिया, ऐसे जाएगा तो इधर से गुजरेगा और इधर से जाएगा तो इधर रिफ्लेक्ट होके जाएगा, कोई भी इधर से सेंटर को इधर जाएगा टकरा करके फिर इससे वापस इधर जाएगा, आपको तो बता दिया, क्लियर है, समझ में आ गया, ओके, ठीक है।